देखो जैसे मान लो हम लोग एक और क्वेश्चन करें। मान लो क्वेश्चन ये है कि हमें फोर स्टूडेंट्स दिए गए हैं, S1, S2, S3, S4, है ना। और हमसे कहा गया इन सभी को लेकर के एक लाइन में खड़ा करना है ना। ऑल फोर आर अरेंज्ड, ठीक है, इन ए रो, चारों के चारों को लेकर के एक रो में खड़ा करना है। तो मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि चार बच्चे हैं, चार में चारों को लेना है, तो एन भी फोर है और आर भी फोर है, ठीक है। तो क्या होगा, एन पी आर का फार्मूला, फोर पी फोर का मतलब क्या हुआ बोलो, फोर फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आ गया, फोर फैक्टोरियल, है ना। या ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लो चार चेयर्स हैं, चार बच्चे हैं, चार में से चारों को ही लेना है और अरेंज करना है, तो हमने चार चेयर्स बना लिया। पहली चेयर को भरने के चार तरीके, इसको भरने के तीन तरीके, इसको भरने के दो तरीके, इसको भरने का एक तरीका, तो आंसर क्या हुआ, 4 3 2 1, मतलब 24। और यहाँ से भी आंसर क्या हुआ, 24। मतलब जैसे अगर चार चीज़ें हैं, चार में चारों को अरेंज करना है, तो हम सीधे सीधे फोर फैक्टोरियल कर सकते हैं। ध्यान दो, जैसे एन पी एन को अगर निकालेंगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल, मतलब एन फैक्टोरियल, मतलब एन में सभी एन को अगर अरेंज करना है तो एन फैक्टोरियल। जैसे मान लो पांच लोग हैं, पांच में से पांचों को अरेंज करना है तो फाइव फैक्टोरियल। 10 लोग हैं, 10 में से 10ों को अरेंज करना है तो 10 फैक्टोरियल, है ना। कि जितनी चीज़ें हैं उन सभी को अगर अरेंज करना है, मतलब अगर एन चीज़ें हैं, एन में से सभी एन को अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा बोलो, एन फैक्टोरियल। जितनी चीज़ें हैं उन सभी को अगर अरेंज करना है तो उतने का ही फैक्टोरियल। इस बात को याद कर लो कि तीन चीज़ें हैं सभी को अरेंज करना 3 फैक्टोरियल, है ना। चार चीज़ें हैं सभी को अरेंज करना है 4 फैक्टोरियल। 10 चीज़ें हैं सभी को अरेंज करना है तो 10। ध्यान रखना यहाँ पर चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। परम्यूटेशन में जिन चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, ये बात ध्यान दो। जितनी चीज़ों को अरेंज करते हैं एन पी आर के फार्मूले में, ये एन जो है वो डिफरेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एन में से सभी एन को अरेंज करना है तो हम एन पी एन लगाएं या एन फैक्टोरियल लगाएं, बात एक ही, इस बात को याद कर लो, ठीक है, कि एन चीज़ें हैं, है ना, एन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, आर अरेंज्ड, ठीक है, इन एन फैक्टोरियल वेज, है ना। एन चीज़ें हैं और ये सब अलग अलग हैं, और अगर इनको अरेंज करना है, क्या लिखा, देखो, एन डिफरेंट थिंग्स आर अरेंज्ड इन एन फैक्टोरियल वेज। एन चीज़ें हैं अलग अलग हैं, उन सभी को अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बोलो, एन फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, इस बात को याद कर लो, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहां पर हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं। जैसे हमने सवाल किया था कि मान लो मेरे पास पांच स्टूडेंट थे, S1, S2, S3, S4, या मान लो छोटा सवाल लें, मान लो चार स्टूडेंट हैं, मान लो ये नया क्वेश्चन लेते हैं, चार स्टूडेंट हैं और हमसे कहा गया कि थ्री आर अरेंज, इसमें से थ्री को लेकर के अरेंज करना है। तो अब थ्री को लेकर अरेंज करना है तो क्या होगा, हम ऐसा करेंगे, क्या मतलब कि तीन बॉक्सेस बना लेंगे, या मान लो तीन चेयर्स ले ली। अब इस चेयर को भरने के चार तरीके, है ना, चार में से कोई एक यहाँ बैठ जाएगा, अब कोई एक यहाँ बैठ गया तो इसको भरने के तीन तरीके, इसको भरने के दो तरीके, तो 4 × 3 × 2 कितना हो गया, 24। या ऐसा कह सकते हैं कि 4P3, तो क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, मतलब 24। एक ही बात है कि अगर चार बच्चे थे, चार में से तीन बच्चों को लेकर के अगर हमें अरेंज करना है तो 4P3। ये ऐसा कह दो कि चार लोग हैं और उनको बैठने के लिए तीन चेयर्स हैं, तो चार लोग हैं और अगर तीन चेयर्स पर उनको बैठाना है तो क्या हो जाएगा, 4P3, यानी कि 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24, है ना। ऐसा देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे ये जो 24 तरीके हैं इनमें क्या क्या होगा,
जैसे हो सकता है S1 आया हो, S2 आया हो, S3 आया हो, ये एक तरीका होगा। हो सकता है यहाँ S2 आया हो, S3 आया हो, S1 आया हो, ये एक तरीका है ना? तो यह हो सकता है यहाँ S1 आया हो, यहाँ S2 आया हो, यहाँ S4 आया हो, ये एक तरीका है। क्योंकि चार में से कोई भी तीन को हम चेयर पे बैठाएंगे, जैसे तीन को बैठाया, उनके प्लेसेस को बदल देंगे तो नया तरीका मिल जाएगा, है ना? या वो तीन कोई भी हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ S1, S2, S3 को लिया, यहाँ S1, S2, S4 को लिया। हम ऐसा भी कह सकते हैं S2, S3, S4 को ले लें। हम ऐसा भी कह सकते हैं S1, S3, S4 को ले लें। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं। तो कुल मिला के देखो, इस तरीके से हमें 24 तरीके मिलेंगे, है ना? 24 तरीके जिनमें कोई भी तीन चीज़ें हो सकती हैं, चार में से कोई तीन चीज़ें ले सकते हैं। जैसे S1, S2, S3 लिया, अच्छा उनके प्लेसेस भी बदल सकते हैं, तब भी नया तरीका हमको मिलता जाएगा हर बार। कोई भी तीन चीज़ें लेंगे, उनके प्लेसेस बदलेंगे, नया तरीका मिलता जाएगा हमको हर बार। तो क्या होगा, जैसे हम इस क्वेश्चन को ज़रा प्रैक्टिकली करके सोचें। ऐसे सोचें कि जैसे क्या हो रहा था हमारे पास, मान लो हमारे पास ये चार चीज़ें थी ए बी सी डी, और इनमें से तीन को अरेंज करना था, ठीक है? हमारे पास मान लो चार चीज़ें थीं और इनमें से तीन को अरेंज करना था। तो चार चीज़ों में से अगर तीन को अरेंज करना होगा तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, 24 ही हमने देखा, ठीक है? तो देखो क्या क्या होगा, जैसे ए बी सी हो सकता है, ए सी बी हो सकता है, बी सी ए हो सकता है, बी ए सी हो सकता है, सी ए बी हो सकता है, सी बी ए हो सकता है, देखो छः ये बने, ए बी डी हो सकता है, ए डी बी हो सकता है, बी ए डी हो सकता है, बी डी ए हो सकता है, डी ए बी हो सकता है, डी बी ए हो सकता है, देखो ये छः तरीके बने, ठीक? अच्छा देखो ऐसा भी हो सकता है, ए सी डी होता, ए डी सी होता, डी ए सी होता, डी सी ए होता, सी ए डी होता, सी डी ए होता, ये छः तरीके बने। और क्या हो सकता था, देखो बी सी डी, बी डी सी, है ना, सी बी डी, सी डी बी, फिर डी सी बी और डी बी सी, देखो ऐसे। तो ये वो टोटल 24 तरीके बने। 4P3 से करते तब भी वो 24 ही आते। तो अगर हम चार में से तीन चीज़ों को लेकर के अरेंज करेंगे तो टोटल 24 वेज बनेंगे, मतलब 24 परमुटेशंस बनेंगे। 24 परमुटेशंस कह लीजिए, 24 अरेंजमेंट कह लीजिए, 24 नंबर ऑफ वेज कह लीजिए, बात बराबर है। और वो 24 क्या होंगे, मैंने बताया ए बी सी को लेकर छः तरीके, ए बी डी को लेकर छः, ए सी डी को लेकर छः, और बी, वो 24 तरीके देखो ये होंगे जो यहाँ पर 24 तरीके दिखाई दे रहे हैं, वो 24 तरीके एक्चुअली यहाँ पर ये होंगे। देखो क्या हो रहा है, जैसे चार में से तीन को लेकर हमने अरेंज किया तो हम 4P3 लगा सकते हैं, और अपने क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ये बॉक्स को फिल करने वाले मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो सीधे सीधे 4P3 लगाएं या बॉक्स को फिल करने वाले मेथड से सवालों को करें, बात बराबर है। लेकिन ध्यान देना है यहां पर कि 4P3 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक जगह पर एक ही चीज आ रही है। जैसे मैंने बताया एन चीजें हैं, आर को अरेंज करना है तो हम एन पी आर डायरेक्ट कर सकते हैं, ध्यान दो, है ना? अच्छा अब देखो, जैसे यहां पर हमें क्या करना था, अरेंजमेंट, कुछ चीजें दी थी उनमें से कुछ चीजों को लेकर के अरेंज करना था। अब जैसे मैथ्स में कई सवाल ऐसे आते हैं जहां अरेंजमेंट नहीं करना होता, जैसे आदमी लोग अगर कुर्सी पर बैठेंगे तो वो एक अरेंजमेंट है। मान लो पांच लोग हैं, पांच में से हमने कहा भाई चार लोग एक साथ आकर के फोटो खिंचाएंगे, तो अब चार लोग अगर फोटो खिंचाएंगे, आपने उनके प्लेसेस बदल दिए तो एक नया फोटोग्राफ आ जाएगा, तो ये भी अरेंजमेंट का ही सवाल है ना? कुछ लोग दिए हैं, उसमें से कुछ लोग चुनकर आएंगे और वो आपस में फ़ोटो खिंचाएंगे। तो जब हम फोटो खिंचाने वाले सवाल की बात कर रहे हैं तो वो एक अरेंजमेंट का सवाल है, क्योंकि मान लो दो लोग हैं, उनकी पोजिशन को बदल दिया तो नई फोटो आ गई। मैंने बताया था जहाँ पर पोजिशन को बदलने से नई चीज़ आ जाती है उसी को हम अरेंजमेंट कहते हैं, है ना?
अब जैसे मैथ्स में कई जगह पर तो अरेंजमेंट काम आता है, कई जगह पर मतलब वो सवाल ही ऐसे होते हैं कि अरेंजमेंट होते हैं। जैसे मान लो हमने एक नंबर लिया, हमने लिया 1 2 3, अब 3 2 1 कर देंगे, 2 1 3 कर देंगे, तो देखो ये नए नए नंबर आ गए। तो एक्चुअली ये अरेंजमेंट का सवाल है अगर हम ध्यान से देखें तो, ठीक है, ये एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब मैथ्स में बहुत सी जगह ऐसी आती हैं जहाँ अरेंजमेंट नहीं होता बल्कि चीज़ों को सिर्फ सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि हमारे पास मान लो 4 बच्चे हैं, जैसे मान लो मेरे पास 4 बच्चे हैं ए बी सी डी, और कहा जाए 3 को सेलेक्ट करो और एक टीम बनाओ। ऐसे ना, मान लो मेरे पास 4 बच्चे थे, है ना, हमारे पास मान लो 4 बच्चे हैं ए बी सी डी, और कहा जाए 3 बच्चों को लेकर के एक टीम बनाओ। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी, मान लो ये मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 अलग अलग बच्चे हैं, और कहा जाए कि 3 आर टेकन टू फॉर्म ए टीम, मतलब 3 बच्चों को लिया गया और टीम बनाई गई। तो देखो जैसे मान लो अगर हमने 3 बच्चों को लिया ए बी सी, तो ये एक टीम है। अब अगर हम इनकी पोजीशन को बदलेंगे तो टीम वही रहेगी, ये कोई नई टीम नहीं है। हाँ, अगर हम कहते 3 बच्चों को एक लाइन में अरेंज करो तो अरेंजमेंट तो ये अलग था। जैसे यहाँ पर देखो, जब हमने 3 बच्चों को लेकर के लाइन में अरेंज किया तो ये एक अलग अरेंजमेंट, ये एक अलग अरेंजमेंट, 3 बच्चे ऐसे बैठेंगे ऐसे बैठेंगे, तो वो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग अरेंजमेंट, अलग अलग तरीके हैं। लेकिन जब हम कहेंगे कि भाई 3 4 में से 3 को लेकर एक टीम बनाओ, तो हमने कहा मान लो ये हमारी एक टीम है, तो अगर हम उनको आगे पीछे कर दें तो टीम तो वही रहेगी। जैसे मान लो 15 आपके पास क्रिकेट प्लेयर्स हैं और 15 में से आपको 11 की टीम बनानी है, तो अगर आपने 11 एक बार ले लिए तो ले लिए, उन 11 में किसी को आगे पीछे करोगे तो टीम थोड़ी बदलेगी, है ना। टीम तो तभी बदलेगी जब किसी प्लेयर को ही बदल दिया जाए। मतलब जैसे मान लो अब ये एक अलग टीम है, ये एक अलग टीम है, क्योंकि देखो इसमें सी हट गया, उसकी जगह डी आ गया। या जैसे देखो ये एक अलग टीम है और देखो ये एक अलग टीम है, ध्यान दो। तो अगर हमारे पास 4 बच्चे थे और 3 को हमने लिया, 3 आर टेकन 2 फॉर्म ए टीम, 3 को हमने लिया और 3 को लेकर के मान लो हमें एक टीम बनानी है, तो 4 बच्चों में से 3 को लेकर के अगर हमें एक टीम बनानी है, तो एक टीम ये है, एक टीम ये है, एक टीम ये है, एक टीम ये, तो टोटल टीमें सिर्फ 4 हैं। अब देखो टीम बनाने के सवाल में अरेंजमेंट नहीं आएगा, सिर्फ हम बच्चों को सेलेक्ट करेंगे बस, और कुछ नहीं। जब हम अरेंजमेंट की बात कर रहे थे तो हम सेलेक्ट भी कर रहे थे और अरेंज भी कर रहे थे। जैसे हमने 3 को उठाया, उनको अरेंज किया, फिर दूसरे 3 उठाए, उनको अरेंज किया, फिर तीसरे 3 उठाए, उनको अरेंज किया, इस प्रकार चौथे। तो जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो उसमें अपने आप ही सिलेक्शन शामिल होता है, पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट। लेकिन जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, जब हम टीम बनाने की बात करते हैं, तो सिर्फ हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, उनको अरेंज नहीं करते। तो क्या हो रहा है, देखो जैसे मैंने बताया अभी आपको कि 4 में से 3 लोगों को लेकर के एक टीम बनानी है, तो हमारे पास सिर्फ 4 अलग अलग टीमें ही बनेंगी। मतलब जैसे अभी हम लोगों ने एनसीआर का फार्मूला पढ़ा था, एनसीआर, तो एनसीआर का फार्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। देखो ध्यान दो, अब जैसे अगर मान लो मैं एन की वैल्यू 4 ले लूँ और आर की वैल्यू 3 ले लूँ और ये फार्मूला लगाऊँ 4C3, तो क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, नीचे देखो 3 फैक्टोरियल और इंटू 1 फैक्टोरियल, इसको मैं देखूंगा तो 4 3 2 1, और देखो ये क्या होगा 3 2 1, तो आंसर फाइनली क्या मिलेगा, 4। देखो 4 ही आंसर है। तो इसका मतलब अगर हमें n चीज़ें दी जाएं और उनमें से r लोगों को उठा करके टीम बनानी हो तो वो NCR फार्मूला ये काम कर देगा। मान लो n चीज़ें दी जाएं और r लोगों को उठा करके टीम बनानी हो
तो वो काम हमारा ये एन सी आर फार्मूला कर देगा। मतलब एन सी आर का काम क्या है, एन अलग अलग चीज़ों में से आर लोगों को एक बार में ले करके टीम को बनाना, या एन अलग अलग चीज़ों में से आर लोगों का सिलेक्शन करना, तो टोटल सिलेक्शन कितने होंगे वो ये बता रहा है। तो इसी को ही हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। जैसे मान लो हम कहेंगे कि हमारे चार सिलेक्शन हैं, चार सिलेक्शन, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे चार कॉम्बिनेशन हैं, चार कॉम्बिनेशन, एक सिलेक्शन मतलब एक कॉम्बिनेशन। जैसे परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। देखो जैसे हमने कहा कि हमारे 24 अरेंजमेंट हैं, मतलब 24 परम्यूटेशंस हैं, तो यहाँ पर हर एक तरीका एक परम्यूटेशन है और यहाँ पर हर एक तरीका एक कॉम्बिनेशन है। तो जब चीज़ों को सिर्फ सेलेक्ट करना हो, उनको अरेंज ना करना हो, तो उस सवाल को कहते हैं भाई ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, ये सिर्फ सिलेक्शन का सवाल है। और जब चीज़ों को अरेंज करना होगा तो अरेंज करने में सिलेक्शन तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। तो जब चीज़ों को अरेंज करना होगा तो हम कहेंगे भाई ये परम्यूटेशन का सवाल है या अरेंजमेंट का सवाल है। तो परम्यूटेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑलरेडी उसमें शामिल होता है। परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन अपने आप से ही शामिल होता है, ध्यान दो, है ना। तो परम्यूटेशन का दूसरा नाम अरेंजमेंट है और कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम सिलेक्शन है। और ये एनसीआर का फार्मूला क्या करता है कि अगर हमें एन चीज़ें दी जाएं और हमें आर चीज़ों का सिलेक्शन करना हो एक बार में, है ना, तो क्या होता है, इफ़ एन डिफरेंट थिंग्स, मान लो एन अलग अलग चीज़ें दी जाएं, आर गिवन, है ना, देन टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस टेकन आर एट ए टाइम आर इक्वल टू एन सी आर। मान लो अगर हमें एन चीज़ें दी जाएं, मान लो अगर हमें एन डिफरेंट चीज़ें दी जाएं और उनमें से हमें आर चीज़ों को एक बार में लेना है और टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस करना है, तो वो टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस क्या हो जाएंगे, बोलो एन सी आर हो जाएंगे। ध्यान दो एन सी आर, जैसे यहाँ पर चार चीज़ें दी गई थी, तीन को सेलेक्ट करना था, तो फार्मूला क्या आया, बोलो 4C3, इसका आंसर आया 4। तो देखो यहाँ पर चार आंसर आए। और परम्यूटेशन का काम क्या है, चीज़ों को सेलेक्ट भी करना और अरेंज भी करना। मतलब जैसे जब हम 4P3 लगा रहे थे तो 4P3 क्या कर रहा था, पहले तीन चीज़ों को उठा रहा था फिर उनको अरेंज कर रहा था। सेलेक्शन का फार्मूला सिर्फ उठाता है, सिर्फ सेलेक्ट करता है और कुछ नहीं, है ना। और परम्यूटेशन का जो फार्मूला है वो सेलेक्शन भी करता है और उनको अरेंज भी करता है। देखो जैसे अगर हम ध्यान दें तो हमारा, देखो जो एन पी आर का फार्मूला है वो है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और एन सी आर का फार्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन पी आर बराबर एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। देखो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब एन में से आर चीज़ों का सिलेक्शन और उनका अरेंजमेंट करेंगे तो एन पी आर मिल जाएगा। जैसे चार में से तीन चीज़ों का सिलेक्शन, जैसे मान लो हम क्या करते, 4C3 करते और इंटू 3 फैक्टोरियल कर देते तो क्या मिल जाता, 4P3 मिल जाता। ध्यान दो, मतलब चार में से तीन चीज़ों को उठाना और हर एक चीज़ को अरेंज करना। तो जैसे मान लो यहाँ तीन चीज़ें हैं तो तीन चीज़ों के सिलेक्शन कितने हुए, 3 फैक्टोरियल, मतलब 6। बताया था मैंने आपको भी कि मान लो n चीज़ें हैं और n चीज़ों के अरेंजमेंट कितने होंगे, n फैक्टोरियल। मान लो n चीज़ें हैं और n में से सभी को अरेंज करना है तो कितने वेज होंगे, n फैक्टोरियल। वही यहाँ पर है कि चार में से तीन चीज़ों को उठाया और उठाने के बाद तीन चीज़ों का अरेंजमेंट, तो तीन चीज़ों के अरेंजमेंट देखो कितने हैं, 6, 6 का मतलब 3 फैक्टोरियल। तो वही हो रहा है, चार में से तीन चीज़ों को उठाने के तरीके और उसके बाद उनको अरेंज करने के तरीके, है ना, एन में से आर चीज़ों को उठाने के तरीके और उनको अरेंज करने के तरीके, मतलब आर फैक्टोरियल। तो एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल से क्या मिल जाएगा, बोलो एन पी आर, है ना। तो मतलब चीज़ों को उठाना,
सेलेक्ट करना और उनको अरेंज करना, ये हो जाता है टोटल अरेंजमेंट के बराबर। मतलब या यूँ कहें अरेंजमेंट में कॉम्बिनेशन भी है, सिलेक्शन भी है और उनका अरेंजमेंट भी है। अरेंजमेंट में दोनों चीज़ें हैं, सिलेक्शन भी है और उनका अरेंजमेंट भी है, इस बात को ध्यान दीजिए, है ना। तो ये अब जाकर हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन शब्दों का मतलब समझा, जो हमारे वर्ड्स थे ना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, अब उनका जाकर के हमने मतलब समझा कि परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, जो अपने आप में एक प्रकार का क्वेश्चन है और वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। तो देखो ध्यान दो, अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें वो बताएगा नहीं कि परमुटेशन लगाओ या कॉम्बिनेशन लगाओ या आप प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाओ, वो हमें खुद से सोचना है आखिर ये क्वेश्चन क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां हमें चीज़ों को अरेंज करना होता है और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां चीज़ों का सिर्फ सिलेक्शन करना होता है। तो ये बात हमें खुद से सोचनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में सिलेक्शन है या परमुटेशन है ना। और ध्यान देना कि हम ये सब चीज़ें कहाँ से लेकर आए, ये सब चीज़ें हमने शुरू की थी प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। तो इस टॉपिक का जो बेसिक और सबसे अच्छा मेथड है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ही परमुटेशन निकला और उसी का एक स्पेशल केस क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। जो हमारा सिलेक्शन है वो परमुटेशन का ही एक स्पेशल केस है और कुछ नहीं है, है ना। तो ध्यान देना, जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था बेसिकली वो भी एक प्रकार का अरेंजमेंट था, वो सिलेक्शन नहीं था। तो जो हमारे अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो उस प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी हो जाते हैं और स्पेशल केस में एनपीआर से भी हो जाएंगे। लेकिन एनपीआर में तभी लगा सकते हैं जब एक जगह पर एक ही चीज़ रखनी हो, अगर एक जगह पर ज़्यादा चीज़ें रखनी हो तो एनपीआर का फार्मूला फेल हो जाएगा अरेंजमेंट के केस में। और सिलेक्शन के केस में हम एनसीआर को लगा सकते हैं, है ना, ध्यान देना यहाँ पर। तो क्या है, देखो जो हमने प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले शुरू किया था वो भी एक्चुअली क्या था, वो अरेंजमेंट का एक जनरल फॉर्म थी कि भाई एक जगह पर ज़्यादा चीज़ें भी आ सकती हैं। अब जब एक जगह पर एक ही चीज़ आ गया तो उसी को हमने परमुटेशन कह दिया, अरेंजमेंट कह दिया, है ना। और उसी का एक स्पेशल केस क्या हो गया, सिलेक्शन। जैसे हमने कहा भाई टोटल 24 हमारे परमुटेशंस हैं तो उनमें चार सिलेक्शन है, वो चार सिलेक्शन यहाँ पर आ गए अपने सामने। तो क्वेश्चन में ये बिल्कुल नहीं बताएगा क्या तरीका आपको लगाना है, वो तरीका हमें खुद से लगाना है और खुद दिमाग दौड़ाना है क्या लगाया जाए। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ये बातें और हमारे दिमाग में क्लियर होती हुई चली जाएंगी। लिखो बच्चे जरा ध्यान से इसको पहले।